अगली बड़ी खबर श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र इकोना इलाके के बभनपुरवा दहावर कला से है, जहां पर जमीनी विवाद में दो पक्षों में मारपीट हो गई और यहां पर गोली भी चलाई गई, जिसमें एक युवती व एक युवक को छर्रे लगे। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र इकोना इलाके के बभनपुरवा दहावर कला गांव से है, जहां पर जमीनी विवाद में दो पक्षों में मारपीट की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि एक पक्ष ने अवैध असलहे से फायर भी कर दिया, जिससे एक युवक को छर्रे लगे। सभी को इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है, जहां पर डॉक्टर उनका उपचार करने में जुटे हुए हैं। दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पुलिस ने पहुंचाया है। श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके के बभनपुरवा धावल कला गांव का यह मामला। शिव कुमार पिताजी का गाँव कहाँ? धावर कला भवन। क्या हुआ, ये कौन है आपकी? ये बेटी है मेरे भाई। बेटी? हाँ, भैया भाई। क्या हुआ, किसे चोट लगी? सारे खेत के बारे में। किससे? वो मोती से। तो गोली भी लगी है क्या? जी, इसके छर्रा लगा। क्या दागे? दागे। इन्हीं को दागे कि आपको भी? नहीं, हमको दागे हैं सर। तो हमारे एक छर्रा यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा, लेकिन बगल में। लड़के कसके लग गया? लड़की के सारा ये कहाँ लग गया? का ये हमारे पास में खड़ी थी। कितने लोग चोटिल हो आपकी तरफ से? 4। कई लोग चटान हो? जमीनी विवाद में दोनों पक्ष आमने सामने आए। एक पक्ष के 20 वर्षीय मीरा पुत्री राम कुमार, 35 वर्षीय शिव कुमार पुत्र कृपा राम, 55 वर्षीय राम कुमार पुत्र कृपा राम घायल हुए, तो दूसरी तरफ से 60 वर्षीय मोतीलाल पुत्र मंगरे व 20 वर्षीय श्रवण कुमार पुत्र मोतीलाल घायल होकर इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने सभी का दवा उपचार शुरू करते हुए जिन्हें छर्रे लगे हैं उन्हें रेफर करने की बात कही। श्रावस्ती जनपद के इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सभी घायलों को पहुंचाया गया। बताया जा रहा है जमीनी विवाद में यहां पर अवैध असलहे से फायर भी झोंका गया, जिसके छर्रे युवती व एक युवक को लगे। जब दोनों पक्षों ने इकोना थाने में पहुंचकर एक दूसरे के विरुद्ध शिकायत की, तो पुलिस ने सभी को इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया, जहां पर डॉक्टरों ने सभी का दवा उपचार शुरू किया। वहीं चिकित्सक डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि एक युवती व एक युवक को छर्रे लगे हैं, उन्हें रेफर किया जा रहा है। 5 लोग यहां से आए हैं दहावर कला से मेडिकल लेकर कराने के लिए, जिसमें 2 लोगों को लग रहा है कि उनके अंदर जो है बुलेट इंजरी हुई है, छर्रे उनके अंदर हमको लग रहे हैं। इनकी हालत कैसी है? हालत स्टेबल है। इन लोग को जो है प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल बेंगा भेज रहे हैं। कहाँ पर लगा है सब? एक लड़की है, लड़की के हाथ में है, दाहिने हाथ में और दाहिने पैर में, और जो पुरुष है उसके जो है बाएं पैर में। इसमें से कोई सीरियस भी है? नहीं, दोनों पेशेंट सब पेशेंट स्टेबल हैं, ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है, मगर इनको जो है एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए भेजा जाएगा। श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र इकोना इलाके के बभनपुरवा दहावर कला गांव की यह घटना है, जहां पर जमीनी विवाद में मारपीट की घटना सामने आई है। साथ ही एक पक्ष के तरफ से बताया गया कि दूसरे पक्ष ने फायर भी झोंका, जिसके छर्रे युवक व युवती को लगे। हालांकि सभी को इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया गया है, जहाँ पर डॉक्टर सभी का दवा उपचार करने में जुटे हुए हैं। वहीं 2 को रेफर करने की बात कही गई।